हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम, वेलकम आपका मेरे चैनल पर। बात करूंगा दोस्तों जिगरा मूवी बारे में, जिसके अर्ली रिव्यूज हैं वो आ चुके हैं। तो फिल्म में क्या है ऐसा खास कि हमें फिल्म को देखना चाहिए भी नहीं, और फिल्म में क्या अच्छा है और क्या बुरा, देखो अगर आप आलिया भट्ट के फैन हो। और यकीन मानिए, ये मूवी देखने बाद ना आप सच में उनके फैन बनने वाले हो। इस फिल्म में जो उन्होंने कारनामा करके दिखाया है ना, जो उन्होंने एक्टिंग करके दिखाई है ना, वो एकदम नेक्स्ट लेवल की थी। भले आप उनको ट्रोल करो कि उनको एक्टिंग आती है नहीं आती, पर यार वो एक मतलब नेशनल विनर है, उनको एक्टिंग के लिए अवार्ड मिल चुका है, तो यार कोई मामूली बात तो है नहीं। मतलब इस लेवल की उन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग करी कि एक्शन के आधार पर अपने भाई को बचाने के लिए वो क्या क्या मतलब चुनौती को पूरा कर रही हैं, वो आप जितना ट्रेलर में देखा है ना, उससे ये फिल्म में आपको 10 गुना ज़्यादा दोस्तों एंटरटेनमेंट देखने को मिलने वाला है। एकदम बवाल फिल्म है भाई, मज़ा आ गया। जितनी भी ऑडियंस मूवी देख के बाहर आ रही है, सब एक ही बात बोल रहे हैं, नेक्स्ट लेवल की मूवी है, एक अच्छी फिल्म है जो मतलब पूरा एंटरटेनमेंट करती है। और हर जना फिल्म में जो सबसे बेस्ट चीज़ बता रहे हैं ना, वो बता रहा है फिल्म की एक्टिंग। जी हाँ दोस्तों, आलिया भट्ट ने जो फिल्म में कारनामा करके दिखाया, जो उन्होंने एक्टिंग करी है ना, वो यार नेक्स्ट लेवल की है। तो इसकी सिनेमेटोग्राफी, उसका स्क्रीन प्ले सब लोगों को पसंद आया, तो बस इसके जो रिव्यूज़ बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको मेरा ये काम पसंद आया हो, आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। आपका लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना ही वीडियो को लाइक करते हो, तो प्लीज़ अगर आप नए हो ना, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी अपडेट्स यहाँ देखने को मिलती रहेगी। तो दोस्तों, मिलता है अगली वीडियो में ऐसी एक और मूवी का रिव्यू और अपडेट लेकर।